सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माई अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और ये होने जा रही है हमारी क्लास 12th की वीडियो, जिसमें कि हम इंग्लिश जो है हमारा, उसमें जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, द वेरी फर्स्ट चैप्टर, उसको आज हम कवर करेंगे इन वन शॉर्ट वीडियो। बहुत छोटी सी वीडियो में हम पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे, जिसमें मैं आपको एक एनिमेटेड वीडियो भी दिखाऊंगा बिल्कुल लास्ट में, उसको एक भी एक्सप्लेन करा जाएगा। लेकिन उसको दिखाने से पहले हम सबसे पहले इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में है क्या। तो बहुत ही अच्छी सी जो स्लाइड्स आपके सामने आ रही हैं, इसमें आपको साइड में ही इसकी थ्योरी मिल जाएगी और उसके साइड में ही आपको उसका पिक्चर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी मिल जाएगा। तो उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में एक एनिमेटेड वीडियो से भी इसको समझेंगे, छोटी सी वीडियो होगी लेकिन उसमें हम सारी चीज़ें रिलेवेंटली कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज द क्लॉक स्ट्रक 9, जैसे ही 9 बजे घड़ी में, वैसे ही मॉन्सर हैमल एंटर। उसी समय जो टीचर है हैमल, ये एंटर कर दिए। कहाँ पर एंटर करें? क्लास में एंटर करें। हिज प्रेजेंस इंस्टेंटली कमांडेड रिस्पेक्ट। उनकी जो प्रेजेंस जब हुई, तो फिर ऑब्वियसली जब कोई टीचर एंटर करता है तो ऑब्वियसली सारे बच्चे एक रिस्पेक्ट शो करते हैं, सेटिंग द टोन फॉर द डेज लेसन। आज लेकिन उन्होंने जो कमांड दी बच्चों को वो थोड़ी डिफरेंट थी आज के लेसन के लिए। टीचर आता है, वो बता दे कि आज हम ये सब करेंगे, तो आज की जो कमांड थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। क्या थी? चलिए देखते हैं फटाफट से। मॉन्सर हैमल इन्फॉर्म द क्लास दैट इट वुड बी द लास्ट फ्रेंच लेसन। जो हैमल थे, ये बच्चों को क्या पढ़ाते थे? ये सबको फ्रेंच पढ़ाते थे। ये बात आपको याद रखनी है, मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, फ्रेंच। फ्रेंच वॉज टॉट बाय मिस्टर हैमल। और उन्होंने क्लास में आते ही क्या ऐसी डिफरेंट अनाउंसमेंट करी, वो ये थी कि आज की जो क्लास होगी वो आपकी फ्रेंच की बिल्कुल लास्ट क्लास होगी। एज्यूम करिए आप नॉर्मली क्लास ले रहे हैं, एकदम से आपके हिंदी इंग्लिश के टीचर आके बोले दैट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी लास्ट क्लास ऑफ योर हिंदी या फिर इंग्लिश का सब्जेक्ट, देन व्हाट वुड बी योर रिएक्शन? ऑफ कोर्स हम सब सोचेंगे ये क्या हो रही है, क्या बोल रहे टीचर ने। आइए देखते हैं। द प्रोविशन डिग्री ऑर्डर द टीचिंग ऑफ जर्मन इन ऑल फ्रेंच स्कूल। तो क्या हुआ था वहाँ पे, जो जर्मन थे उन लोगों ने उनका जो एरिया था उसको कैप्चर कर लिया था। जिस तरीके से इंडिया पे ब्रिटिश रूल हुआ था, इसी तरीके से वहाँ पे जर्मन रूल हुआ था। तो ऑब्वियसली अब जो आएगा वो यही बोलेगा कि आप फ्रेंच पढ़ाना बिल्कुल बंद कर दीजिए और आप अब से जर्मनी पढ़ाएंगे फ्रेंच की जगह। तो कितना हमें बुरा लगेगा अगर हमसे बोल दिया जाए कम्प्लीटली कि आप आज से हिंदी ना पढ़ के आप लोग जर्मन पढ़ेंगे, देन इट विल बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर ऑल ऑफ अस। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ आखिर। सो द फ्रेंड कॉयस रिग्रेटेड नॉट टेकिंग हिज फ्रेंच लेसन्स मोर सीरियसली। अब जो ये हमारा करेक्टर है स्टोरी में, ये सोचता है कि इसने आखिर आज तक फ्रेंच पे इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों नहीं दी। वो हमेशा से इसको बहुत लीनियंट वे में लेता था, दैट ऑफ कोर्स ये तो हमारी नेव लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज को कौन ही इतना सीरियस लेता है, जैसे हम लोग हिंदी को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। इसी तरीके से इसने भी रिग्रेट करा कि आखिर मतलब मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया और आज ये दिन आ गया कि हमें वो सिखाई ही नहीं जाएगी वो वाली लैंग्वेज। देन ऑफ कोर्स ही रिग्रेटेड फॉर दैट एंड नाउ अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ हिज नेटिव लैंग्वेज। अपनी नेटिव लैंग्वेज की उसने इंपॉर्टेंस समझी फिर कि इतना हमारे साथ जब जो जुल्म किया जा रहा है, जो हमसे छीन लिया जा रहा है हमारा अधिकार अपनी नेटिव लैंग्वेज को सीखने का, उसकी उसने इंपॉर्टेंस समझी। हैमल जो थे, मिस्टर हैमल, ही स्पोक अबाउट द ब्यूटी ऑफ देयर लैंग्वेज। उन्होंने उस दिन क्लास में बताया कि आखिर उनकी मतलब जब लास्ट क्लास थी तो ऑब्वियसली वो टीचर डिस्कस करेगा कि कितनी अच्छी लैंग्वेज थी, उसकी ब्यूटी थी, उसकी सिग्निफिकेंस थी, वो एक प्रिजर्वेटिव लैंग्वेज थी, बहुत सालों से वही जो लैंग्वेज थी वो चलती आ रही थी और आज वो लैंग्वेज बंद हो रही है। सो दे ही स्पोक अबाउट द ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज, द सिग्निफिकेंस इन प्रिजर्विंग देयर कल्चर एंड आइडेंटिटी। और वहाँ पे जो गाँव के लोग थे वो भी आ चुके थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक क्राउडेड सम हॉल है जहाँ पे सब बैठ के एक डिस्कशन टाइप कर रहे हैं अबाउट द प्रिजर्वेशन ऑफ देयर कल्चर, अबाउट द देयर आइडेंटिटी, जो कि क्या थी? द फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंक ऑयस फेल्ट अ सर्ज ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स हिज टीचर। उसने जो टीचर था उस पर कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जबकि टीचर से बार बार बोलते थे दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, यू मस्ट बी वेरी वेरी सिंसियर टुवर्ड्स अ लैंग्वेज, मगर उसने आज तक उनका जो कहना था वो नहीं माना था। लेकिन आज उसने आज जो फ्रेंक ऑयस था उसे अपने टीचर्स की तरफ एक ग्रैटिट्यूड आ रहा था। Realizing the sacrifices Mr. Hamel had made to impart knowledge to them, उन्होंने उसने समझा कि आखिर इन्होंने कितनी ज़्यादा सेक्रीफाइस करी, कितना ज़्यादा इन्होंने हमें फोर्स करा, हमें पुश करा कि आपको अपनी लैंग्वेज समझनी चाहिए, उसकी एक नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन हमने आज तक उनकी कदर नहीं करी है। और आज हमें समझ में आ रहा है कि जब हमसे वो हमारी लैंग्वेज, हमारी नेव लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है, वहीं हमसे छीनी जा रही है। फ्रेंड कॉयस लिंगर्ड इचिंग द मेमोरी ऑफ एम्प्टी क्लासरूम। उसने अपनी क्लासरूम की तरफ देखा जबकि खाली थी, जैसा कि उसका इस टाइम माइंड हो रहा था। Denying himself for the change that was to come. वो सोच रहा था कि आज ये हमारी लास्ट क्लास है, आज के बाद एक बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है हमारे करिकुलम में, हमारे सिलेबस में, तो वो इस सब के बारे में ही अपने माइंड में सोचा जा रहा था। फ्रेंक कॉयस एक्सप्रेस्ड हिज ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग हैमल हैड टॉट हिम एंड प्रॉमिस टू नेवर फॉरगेट द लेसंस लर्न्ड। उसने जो अपने टीचर हैं उनसे जाके अपना एक्सप्रेशन जो है वो एक्सप्रेस करा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिक्टोरियल फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से जो फ्रेंक कॉयस था उसने अपना एक्सप्रेशन दिखाया, टीचर को अपना ग्रैटिट्यूड दिखाया कि आपने जो हमें आज तक जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई थी वो आपने बहुत हमारे लिए, हम पे बहुत एहसान करा, हम पे बहुत अच्छा काम करा, और हम मैं आपसे वादा करता हूँ कि कभी मैं आपने जो भी हमें लेसन्स में पढ़ाया था मैं उसे कभी भी नहीं भूलूंगा।
Then, despite the challenges posed by the Prussian declare, Francois found solace in his determination to preserve his heritage. जितना भी challenge उसने face करा हो, Prussia ने जो declare करा था कि अब सिर्फ जो German language पढ़ाई जाएगी, लेकिन फिर भी उसने solace found करा, उसने शांति पाई किसमें? कि मैं अपनी जो लैंग्वेज है उसके लिए मैं लड़ूंगा, उसके लिए मैं कुछ ना कुछ करूंगा ताकि मैं उस लैंग्वेज को, उस हेरिटेज को मैं संभाल सकूं, संभाल के मैं उसे रख सकूं। तो ऑफकोर्स जब कोई चाहता है कि नहीं, हम तो जो हमारी नेशन है, हमारी जो लैंग्वेज है, उसके लिए हमें लड़ना है, तो ऑब्वियसली आपके सामने तो हज़ारों मुश्किलें आएंगी। वही चैलेंजेस यहाँ पे बोले गए हैं, उसने चैलेंजेस भी फेस करे, ऐसा नहीं बहुत ईजी होता है ये सब करना। ही बिकेम अ फर्वेंट एडवोकेट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रेंच कल्चर एंड लैंग्वेज। उसने इतनी चुनौतियों के बाद भी, इतना सब कुछ झेलने के बाद भी, उसने सोचा कि नहीं, मुझे तो करना है, और करने के लिए उसे कुछ कुछ तो उसे अचीव करना चाहिए था। ऐसे तो आपकी बात मानी नहीं जाती, अगर आप कहीं भी जाएंगे और बोलेंगे नहीं मुझे तो फ्रेंच ही पढ़नी, तो ऐसे तो आपकी बात पे मानेगा नहीं। तो उसने किसका सहारा लिया? उसने कोर्ट का सहारा लिया, और वो खुद एक एडवोकेट बना, और उसने फिर ऑब्वियसली जब वो एडवोकेट बना तो उसने अपनी जो फ्रेंच लैंग्वेज की प्रिजर्वेशन की बात थी वही वहाँ पर रखी, और उसने इंश्योर करने का चाहा कि मैं इंश्योर कर सकूँ कि जो आने वाली जनरेशन है उनकी जो रूट्स है वो कभी भी ना वो बोल सके। रूट्स मतलब जैसे हमारी जो आने वाली जनरेशन होंगी उनकी रूट्स क्या होगी? हिंदी लैंग्वेज ही होगी। तो हम चाहेंगे कि जो वो उनकी जो रूट्स है वो उनसे छीनी ना जाए, मतलब उनसे जो हिंदी लैंग्वेज है या फिर इंग्लिश हम कह लें, हम इंग्लिश भी आजकल बहुत ज़्यादा अपने ट्रेंड में लेके आ चुके, तो इंग्लिश लैंग्वेज उनसे छीनी ना जाए, जस्ट इन केस इमेजिन फॉर दैट। तो इस तरीके का ही जो फ्रैंकोइस था उसने भी सोचा, और वो एक एडवोकेट बन गया। ही ऑर्गेनाइज फ्रेंच क्लासेस फॉर द चिल्ड्रन। उसने खुद से ही जो बच्चे थे उनके लिए फ्रेंच क्लासेस जो है उन ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया, उनको इंस्पायर करा, किससे? हेमल की स्टोरी से। हेमल जो उसके टीचर थे, उन्होंने जो उसे पढ़ाया था उसी स्टोरीज को उसने बता बता के जो बच्चे उनको इंस्पायर करा, एंड उनको बताया कि क्या इंपॉर्टेंस है अपनी हेरिटेज की और उसको प्रिजर्व करने की। देन विद अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन ही रियलाइज दैट ही हैड फुलफिल्ड द प्रॉमिस ऑफ हैमल। उसने अपने टीचर को एक प्रॉमिस करा था कि मैं जो हमारी लैंग्वेज है उसको मैं प्रिजर्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, और हमें बाद में देखने को भी मिला दैट उसने जो है उसको एक सेटिस्फैक्शन मिला कि हाँ, उसने जो प्रॉमिस करा था अपने टीचर से, हैमल से, उसको वो अब फुलफिल कर चुका है। He had kept the French language alive, और उसने जो फ्रेंच लैंग्वेज था उसको जिंदा रखा। अगर सब उसे भूल जाते तो ऑब्वियसली कोई लैंग्वेज खत्म हो जाती, मर जाती, जैसे कि ग्रीक लैंग्वेज है। आपने देखा होगा कि मोस्टली जो हमारी टर्म्स होती है बोला जाता है इट इज़ डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड या फिर इट इज़ डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। तो अभी इन वाली चीज़ों से ही क्यों डिराइव हो रही है? क्यों ये इंग्लिश या फिर हिंदी से क्यों नहीं डिराइव हो रही है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ग्रीक लैंग्वेज है, जो कि लैटिन लैंग्वेज है, ये सब गायब हो रही थी धीरे धीरे। अब इनको गायब ना होने के लिए, इनको बचाने के लिए जो है जो टर्म्स हैं इनको ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया था। Francois with a smile of contentment looked at the thriving community he had helped build carrying forward the legacy of his beloved teacher Hamel. एक हमें होती है ना एक, मतलब हमने कुछ कर लिया था उसकी हमारे मुंह पे जो एक स्माइल होती है बहुत अच्छी सी, वो जो थी वो आज Francois के चेहरे पे थी। क्यों थी? So the Francois, with a smile of contentment, looked at the thriving community he had helped build carrying forward the legacy of his beloved teacher Hamel. तो उसने देखा कि जब हम कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं, आप अपने आप को इमेजिन करिए, आप जो पाना चाहते हैं वो आप पा लेते हैं, तो आपके जो फेस है उस पर एक अलग ही स्माइल होती है। तो वही उसी टाइप की स्माइल जो थी वो Francois के चेहरे पर आज थी, और कैसे थी? जब वो उन सारे लोगों को देख रहा था जिनके लिए उसने आज कुछ करा था। जैसे कि हम अपनी कंट्री के लिए आज कुछ करते हैं तो हमारे मुंह पे एक स्माइल होती है कि हाँ, हमने इतने सारे लोगों के लिए आज कुछ करा है। सो द सेम काइंड ऑफ स्माइल ही वाज हैविंग ऑन हिज फेस बिकॉज ही हैड हेल्प्ड बिल्डिंग एंड कैरिंग फॉरवर्ड द लेगेसी ऑफ हिज बिलव्ड टीचर। जो उसके टीचर की लेगेसी थी, हैमल की जो लेगेसी थी, क्या थी? कि हमारी जो लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज, उसको आगे लेके जाना चाहिए और एक कम्युनिटी बिल्ड होनी चाहिए हमारी लैंग्वेज की। आज वो उसे अचीव कर चुका है। यहीं पर ही हो जाता है हमारे चैप्टर फाइनली एंड। अब इसका देख लेते हैं एनिमेशन वीडियो। In the countryside lived Francois. News of German teaching rattled him. Francois sat for Monsieur Hamel's last lesson. Hamel's words stirred Francois. Francois thanked Monsieur Hamel, promised to keep French alive. Francois dedicated himself to French. His love for French deepened. Years passed. Francois became a staunch advocate. Preserving French became his mission. Francois honored Monsieur Hamel's teachings, kept the spirit of French alive.